उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के डाला पुलिस के द्वारा गश्त के दौरान अवैध बालू लोड करते समय ट्रैक्टर और बाइक धरा गया। अवैध खननकर्ताओं में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। डाला चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मुखबिर के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि सोन नदी के किनारे एक ट्रैक्टर अवैध बालू लोड कर रहा है, जहां बताए हुए स्थान पर जाने पर पुलिस को देखते ही वहां से बाइक व ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। चौकी प्रभारी ने ट्रैक्टर और बाइक को चौकी परिसर में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं वन विभाग के दारोगा त्रिलोकी दुबे ने बताया कि ट्रैक्टर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान चौकी प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर, परमिंदर राय आदि शामिल रहे। विराट 24 न्यूज के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। वीडियो